हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाना खिचड़ी, जिसे हम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, व्रत में भी खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपकी साबूदाना खिचड़ी बहुत ही खिली खिली और नॉनस्टिकी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में तीन तरह के साबूदाना मिलते हैं, एक बारीक, एक मीडियम साइज़ का और एक इससे बड़ा। मैंने यहाँ खिचड़ी के लिए मीडियम साइज़ का यूज़ किया है। पहले हम साबूदाना लेंगे और उसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। जब हम साबूदाना को वॉश करते हैं तो जो इसके ऊपर स्टार्च होता है वो निकलता है। वैसे तो हम जितनी बार भी वॉश करेंगे उतनी बार ही हमारा जो पानी है वो वाइट सा दिखता है, पर जैसे जैसे हम बार बार वॉश करते हैं तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है। साबूदाना को नॉन स्टिकी बनाने के लिए भिगोते टाइम पानी का लेवल साबूदाना से थोड़ा सा ऊपर रखें। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो साबूदाना ज़्यादा पानी सोख कर लेगा, जिससे उसकी अपर लेयर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम उसे पकाएंगे तो वो चिपकने लगेगा। मैंने साबूदाना को 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं साबूदाना को भिगोने के लिए रखूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने साबूदाना के लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर पानी लिया है और अब हम इसे 3 से 4 घंटे सोक होने के लिए रख देंगे। सोक होने के बाद साबूदाना ऐसे फ्लफी फ्लफी सा दिखेगा और अगर साबूदाना में सोक करने के बाद कुछ पानी बचा हुआ है तो आप इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लें। साबूदाना सही से सोक हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम साबूदाना को फिंगर से मैश करके देखेंगे। अगर ये अच्छे से मैश हो रहा है तो साबूदाना सही से सोक हो गया है। अब मैंने यहाँ कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप व्रत में जो भी ऑयल या घी खाते हैं वो ले लेना। अब हम इसमें 6 से 7 पीसेस पीनट्स डालेंगे और उन्हें थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। पीनट्स को रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून चॉप ग्रीन चिलीज ली हैं। अब मैंने यहाँ चॉप टमाटोज डाले हैं। मैं इसे व्रत के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अगर आप व्रत में खाते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर देना। अगर आप व्रत में जीरा, कड़ी पत्ता ये सब खाते हैं तो आप ये सब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप वैसे ही नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो आप ऐड कर ही सकते हैं। टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट मैशी हो जाएं, तब हम उसमें ऐड करेंगे 3/4 टेबलस्पून ऑफ सेंधा नमक, जो फास्ट में खाते हैं, और 1/2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर मैंने ऐड किया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1 कप ऑफ चॉप्ड पोटैटोज ऐड किए हैं। मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप्ड पोटैटोज यूज़ किए हैं। आप थोड़े बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, पर मुझे यही वाले पसंद हैं क्योंकि साबूदाना छोटे साइज़ का होता है, तो जब ये ओवरऑल बन जाता है तो एक इसमें स्मूथ सा टेक्सचर दिखता है। हमें आलू को अच्छे से पकाना है, जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं वैसे ही। जब आलू अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसके अंदर हमारा भीगा हुआ साबूदाना ऐड करेंगे, और याद रहे फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए इस स्टेज पर, और हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा साबूदाना बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं है, बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है।
हमें साबूदाना को कॉन्टीन्यूसली लो फ्लेम पर स्टिर करते रहना है और तब तक करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। हमारी नॉन स्टिकी साबूदाना खिचड़ी तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपीज लेके आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।